सदाए इत्तेहाद कर्नाटक की जानिब से हालात हाजिरा और सियासी बेदारी का प्रोग्राम मस्जिद ईदगाह बिलाल बन्नरगट्टा मेन रोड बैंगलोर में रखा गया था, जिसमें जयनगर मसाजिद फेडरेशन के जिम्मेदारों को जमा कर यह गौरव फिक्र दिलाई गई कि आने वाले दिनों में 2024 का इलेक्शन और बैंगलोर का बीबीएमपी इलेक्शन में किस तरह से मुसलमान एकजुट होकर अपना वोट अदा करें। जिस तरह से कर्नाटक में 2023 में मुसलमानों ने एक होकर वोट किया था, इसी तरह से आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह से मुसलमान को एक होना है। इस तरह की फिक्र जो है सदाए इत्तेहाद पिछले कई सालों से लगातार करते आ रहा है। आने वाले 2024 इलेक्शन के अलावा बीबीएमपी इलेक्शन की भी फिक्र दिलाने के साथ साथ सदाए इत्तेहाद तंजीम की जानिब से मुसलमानों के लिए 10 मशवरे भी पेश किए, जिसको जानना मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए तफसीलात जानते हैं सदाए इत्तेहाद के जिम्मेदार और मसाजिद फेडरेशन के जिम्मेदारों से। इलेक्शन से पहले जो है एक तवील इजलास आपके तहत हुए हैं, सियासी बेदारी के उनवान पर कई इजलास हुए हैं, तो अब इलेक्शन के बाद भी जो है सिलसिला जारी है, तो आज का प्रोग्राम क्या रहा? बस ये था जो असेंबली इलेक्शन से पहले जो मेहनत सदाए इत्तेहाद की तरफ से हुई थी, तो उसके बाद हुकूमत बनी। हुकूमत बनने के बाद हम लोग ये देख रहे थे कि हुकूमत मुसलमानों के हक़ में क्या फैसला करने वाली है, तो हुकूमत को एक मौका भी दिया, देखिए ये क्या उनकी तरफ से बात आती है। तो बात हमें भी समझ में आ गई, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमान बेवकूफ़ों की तरह ये खो करके जो उनका साथ दिए, उसका भी नतीजा हमने देख लिया। ऐसी मिनिस्ट्री उन्होंने अता करी है जो भीख में देते हैं, जबकि 80% वोटों के साथ जब हम उनका साथ दिया तो उनका फ़र्ज़ बनता था कुछ ऐसी मिनिस्ट्री देते, एक 4-5 मिनिस्ट्री देते जिससे हमारी कौम के लिए काम मिल जाता। तो जैसे कि पीडब्ल्यूडी थी, या ट्रांसपोर्ट था, या तुम्हें अल्लाह सलामत रखो इंडस्ट्रियल थी, कम से कम ऐसे कुछ होदे देते तो उससे हमारी कौम के लिए काम, जो नौजवान पढ़े लिखे थे उनको काम में लेने के लिए एक रास्ता बनता था। लेकिन ये इस तरह से बेवकूफ़ी इन्होंने करी है कि ये जो पहले मैनाटी में जो हज एंड वक्फ और दूसरा भी साथ में दिया करते थे, तो सीआर सगीर अहमद जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनके बाद जब हटाया गया तो ये मिनिस्ट्री उनको दी गई थी। हज एंड वक्फ और हाउसिंग तीनों एक साथ में दिए थे, क्योंकि इनके साथ में पीए रहे हमारे सादिक साहब, इसीलिए मैं गवाह के हिसाब से बोल रहा हूँ। आज ये मिनिस्ट्री दोनों को बांटे इन्होंने, समझे ना, वक्फ एक, हज एक और वक्फ के साथ में हाउसिंग एक, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। और हम मुसलमान खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, जबकि 80% वोट हम लोगों ने इनको दिया है और हमारी मेहनत इनके पीछे है, तो इनका फ़र्ज़ बनता था कि हमें वो खुद आए हमसे पूछें कि हमारे लिए वो क्या करें। इससे पहले बड़े बड़े बातें हो रही थी, 15 दिन के अंदर जो जेल में हमारे लोग फंसे हैं DG Hadley KG Hadley की, उनको वापस लिया जाएगा और हमारी मिल्कियत औकाफ की जो है वो हमें वापस दिलाई जाएगी, और जितने जो मुसलमानों के मामलात हैं हज हलाल और जो बंद अजान सारे मामलों में फैसला करने का वादा किया था, तो इन्होंने क्या किया? अरे और एक CM जो बना हुआ है, ये CM को मालूम नहीं है कि क्या होदा देना है? क्या होम मिनिस्टर है मुसलमान कोई? कांग्रेस पार्टी के अंदर UT Khadir को इन्होंने बनाया क्या है स्पीकर? क्यों? अगर उनको अच्छी मिनिस्ट्री देते तो कुछ काम होता था, ले जा करके बिठा दिए नशाना बनाकर और इनको ये मिनिस्ट्री दे दिए, अब इससे मुसलमान खुश हैं? ये बेवकूफ़ी ना होना चाहिए। हमने अभी 2024 और जो ये BBMP है इसके नज़र से फिर काम शुरू किए हैं। अब इसके बाद हम ऐसा खामोश नहीं रहेंगे, इसके बाद हम फैसला करेंगे। ये तंजीम ऐसी है जाके भीख नहीं मांगेगी इन सियासतदानों से, ये सियासतदान नहीं है, धोखेबाज है। हमसे हमदर्दी का वादा करते हैं और हम ही के ऊपर छुरा घूमते हैं। ये सियासी पार्टियों की चाल है, ये अब हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये सदाए इत्तेहाद की अब अलग सोच है, और इनको चाहिए था हमारे पास आए, ये नहीं कि हमारे उलमा मशायख और दानिशवार मिलके बार बार उनके पास जाके उनसे गिड़गिड़ाएं कि हमारे लिए ये दें, हमारे लिए वो दें। उनसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है इस कौम को। हाँ, इन जैसे ये आलिम जो आजकल जो जाके फ़ोटो पकड़ने का और जो मिलके बैठने का जो शौक़ है ना, इनकी वजह से इस कौम का विकार गिरता जा रहा है।
आप मुझे बताओ जितने मजाहिब हैं इस सारे मजाहिब के जो सारे मजाहिब के जो उनके गुरु हैं साधु हैं संत हैं क्या इसी तरह ये इनकी जमातों के पास आकर के उनसे भीख मांग रहे हैं? ये हमारे उलमा को क्या हुआ, मशाख को क्या हुआ, पीर साधुओं को क्या हुआ? ये उनके पास जाके भीख मांगते खड़े होकर के और बड़ी शान से दिखाते हैं कि इन्होंने बात कर ली उनसे, उन्होंने वादा किया इनको। अरे कहाँ तक कि इन बातों के पीछे इस कौम को तबाह करेंगे ये लोग, हमारी कौम को इन्हीं से नुकसान हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा। फोटो और फूल के हार शालपोशी से काम नहीं चलने वाला, हमें मुद्दा चाहिए, मुद्दा इस कौम के लिए मुद्दा चाहिए। जो वादा करते हैं वो हमें आकर के पूछे तब जाकर कोई बात बन सकती है। इसलिए हमारा एजेंडा अब इसके बाद अलग ही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बता देंगे क्या करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बिलाल मस्जिद के अंदर जिस तरह हम गुज़िश्ता 2 साल से सियासी बेदारी उलमाओं के अंदर आवाम के अंदर लाना चाह रहे थे, अल्लाह के फजलो करम उस प्रोग्राम के नियत से आज कर्नाटका के अंदर जो सेकुलर हुकूमत आई है वो ख़ास कर मुसलमानों में बेदारी और सियासी बेदारी से ही ये मुमकिन हो सका है। अब हम चाहते हैं कि इसको आइंदा के लिए भी इसी तरीके से हम सब एक हो के इत्तेहाद के साथ और मिल्लत की फलाही और बेहूदी के लिए इसी तरह से इत्तेहादी मामले में और ख़ास कर सियासी जो भी हम अपन डिसीशन लेते हैं उसमें एक हो के लेना चाहिए। हम आपस में बढ़ गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब हमारी यही गुजारिश है, आज कर्नाटका क्या एक मिसाल बना है हिंदुस्तान के लिए, तो ये मिसाल कायम रहे और इसकी लाज भी रहे। तो मुसलमानों को चाहिए कि ख़ास कर गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाए और हमारे ख़ास लीडरों को से गुजारिश है कि मुसलमानी की ये मेहनत और ये जज्बे की आप कदर करें और इस कदर का जो भी मुनासिब मुसलमानों का हक है उन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि दो ही मसले ख़ास हमारे सामने थे कि एक तो था वक्फ बोर्ड की जायदादों को जो कब्ज़ा है सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो कब्ज़ा की हुई है कम से कम उसका किराया चालू किया जाए। तो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे और सेमी इदारे वक्फ की ज़मीन के ऊपर है तो हम चाहते हैं कि पहले इसका एक इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि फ्री में तो मिलती नहीं है, गवर्नमेंट खुद फ्री में नहीं देती है किसी भी इदारे को। अगर गवर्नमेंट जगह देती है या स्कूल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो उसका एक किराया मुकर्रर होता है, मगर यहाँ कर्नाटका के अंदर कई ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो हम हमारे लीडरों से यही गुजारिश करते हैं कम से कम कौम की ये कमाई को और ये मिल्लत को कौम के बच्चों के लिए काम आए उसको किया जाए। दूसरा जो यहाँ पर नेक्स्ट कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है तो आपने देखा है कि मुसलमान जहाँ इत्तेहाद के साथ खड़ जाते हैं उनकी वोट की कदर क्या होती हो और किस तरह कामयाबी कैंडिडेट को मिलती है। तो पार्टियों से हमारी गुजारिश ये है कि आज कौम के कई नौजवान जो कि इस काबिल है कि इस काम को अंजाम दे सकते हैं और अच्छी तरह सियासत निभा सकते हैं, ना अपना जाती मुफाद या ना अपने बच्चों के मुफाद को दूर रख के वो काम करने के लिए तैयार है, ऐसे नौजवानों को आगे लाए। और आज का जो इजलास था उसी रोशनी के डालने के था कि आज आने वाली सियासत में जो अब हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और सीनियर सियासतदान हैं उनको भी चाहिए कि उनके पीछे जो गलतियाँ पहले हमारे बड़े बड़े सियासतदान कर गए कि किसी को अपना वारिस नहीं छोड़ा, इस तरह के ना करें, कौम के अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट लोगों को सामने लाए और उनको मौका दिलाए, बस यही हमारे वजह। हालात हाजरा और सियासी बेदारी के उनवान पर मुसलसल कोशिशें चल रही हैं। अब इलेक्शन के बाद ये पहला दूसरा प्रोग्राम है, अभी हाल में बमनअली में प्रोग्राम हुआ जिसमें 30 मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरा शरीक हुए थे, अब ये 14वां प्रोग्राम बल्कि दूसरा प्रोग्राम यहाँ मस्जिद बिलाल ईदगाह बंदरगट्टा में मुनक़िद हुआ जयनगर मसाजिद के फेडरेशन के इश्तराक से, जिसमें टांगड़न मसाजिद के फेडरेशन के ज़िम्मेदार हजरात भी तशरीफ़ लाए थे। उलमाए किराम और खुतबा इज़ाम दानिश्वरान कौम मिल्लत का एक अच्छा संजीदा मजमा भी था। इस मजलिस में हमारी जो कोशिशें हैं शुरू से अवाम में एक तो सियासी शऊर पैदा करना है और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हुकूमत बनी है 10 प्रपोज़ल्स हमने कौम के सामने पेश किए हैं और सब के हाथों में उन प्रपोज़ल्स को पेश भी किया है।
तो अगर एक एक करके भी लोग अपने अपने इलाकों में उन प्रपोजल्स पर अमल कर लेंगे, उन तजावीज़ पर एक एक करके भी अमल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इन्हीं 10 कामों को देने के लिए, समझाने के लिए और सियासी शऊर पैदा करने के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए हमने आज ये मस्जिद ईदगाह बिलाल में प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम को आप कैसे बोले, इतना ज़रूरी था ये? अस्सलाम वालेकुम। मगरिब से ईशा तक ये प्रोग्राम जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और खूब जागना, इसमें खूब जागी तो आगे कामयाबी मिलती है, और खूब जागी नहीं सोते रही तो सोते चढ़ना। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, हमें सब लोग मिल को आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम। तो होना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए, लोगों तक, और इसके लिए इंशाल्लाह एक बेहतर जरिया हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मकसद है इसका? क्या बोला? नहीं, आज जो आपने पहल की है यहाँ पर क्या है? ये सियासी बेदारी लाने के लिए हम फेडरेशन के तरफ से सदाए एहतियात से मिलकर एक प्रोग्राम किए हैं। इससे पहले भी जयनगर फेडरेशन के इससे फेडरेशन की तरफ से हम इससे पहले का जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में भी हमने सब सारे मस्जिदों को जमा करके बहुत मेहनत की थी, मेहनत रंग लाई। इंशाल्लाह ताला सदाए एहतियात के तरफ से जो ये मेहनत चल रही है उनका हम भरपूर साथ देंगे, इसमें बहुत कोशिश करेंगे। ये कोशिश इंशाल्लाह इस बार भी कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा, आप खुश हैं इस हुकूमत से, जिस तरह से काम हो रहा है पिछले 2 महीने से? हुकूमत से हमारे जो जो कंडीशंस हैं थे वो तो पूरे नहीं हुए, बहुत कम तादाद में इसकी ये हो रही है। हमारे उलमा इकराम जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलने के बावजूद भी तो अनदेखी कर रहे हैं थोड़ा। इसीलिए हुकूमत से हम दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कोशिश करें, और हमारा जो फेडरेशन जो एहतियात ये सब सदाए एहतियात सब मिलकर हम जा रहे हैं, इनकी तरफ तवज्जो दे करके हमारे जो भी कंडीशन्स हैं उसको पूरा करें।